government is talking about growing millets, which is a very less water intensive crops. If we compare it to other water intensive crops like rice or wheat, जो कि बहुत ज्यादा water consume करती है to grow. So, millets को grow किया जा सकता है जो कि बहुत easily grow जाती है. तभी आप देखोगे millets जैसे कि बाजरा या फिर रागी है, उसको राजस्थान में बहुत उगाया जाता है. वेलकम ऑल ऑफ यू टू द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5th ऑफ अप्रैल. आज हम देखेंगे हिंदू न्यूज़पेपर में से कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल विच इज़ रिलेटेड टू वाटर क्राइसिस विच इज़ इमर्जिंग इन बेंगलुरु एंड द इंडेक्सेस विच आर बीइंग पब्लिश्ड बाय यू नो वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑन डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट आर्टिकल को देखते हैं. एज यू कैन सी इज द अर्बन वाटर सिस्टम ब्रेकिंग. So, ऐसा बोला जाता है कि and many scholars highlight this thing that future wars are going to be water wars. It means कि water की वजह से ही countries के बीच में war होगा. ऐसा क्यों बोला जा रहा है? Because we are seeing a rapid urbanization, rapid economic growth, population growth, और उसकी वजह से जो water है, अब वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, उनका अवेलेबिलिटी कम होता जा रहा है. रिसेंटली बेंगलुरु में हमें यही देखने को मिला. बेंगलुरु में 90s के बाद जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म्स किया गया, उसके बाद से बेंगलुरु हैज़ इमर्ज्ड एज एन आईटी हब ऑफ इंडिया. वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हुआ और सिटी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ. कुछ और भी फैक्टर्स थे जैसे कि बेंगलुरु का फेवरेबल क्लाइमेट. सो उसकी वजह से बेंगलुरु में बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है और सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है. उसी का एक कंसिक्वेंस हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो बैलेंस था, वो बेसिकली चेंज हो गया एंड दैट लेड टू मेनी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस सच एज वाटर स्कार्सिटी विच इज़ विजिबल एट द प्रेजेंट मोमेंट. इस आर्टिकल्स में टी वी रामचंद्र एंड एस विश्वनाथन, जो कि एक कंजर्वेशनिस्ट हैं, उन्होंने बात किया है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट थिंग्स हैव लेड टू द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स इन द बेंगलुरु. लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन हाइलाइटेड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई मेंशनड, बेंगलुरु वाटर क्राइसिस को हमें समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सॉल्यूशन, कि ये क्राइसिस हुआ ही क्यों. एज यू कैन सी, बेंगलुरु में ना सिर्फ ड्रॉट की प्रॉब्लम होती है, अभी पानी कम हो गया, बट ऑल्सो वी सी फ्लड प्रॉब्लम. वहाँ पे पानी का लेवल भी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ऐसा क्यों होता है कि पानी कभी प्लेंटी हो जा रहा है और कभी बहुत ही कम हो रहा है? तो ये तो नहीं होना चाहिए. इट मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम इन द मैनेजमेंट. देर हैज़ बीन एन अनप्लैंड अर्बनाइजेशन विच हैज़ हैपन्ड इन बेंगलुरु, जो उसके इकोलॉजी को ध्यान में रख के नहीं किया गया था, जिसकी वजह से आज के समय पर यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है. So, एक डेटा के अकॉर्डिंग बेंगलुरु का ग्रीन कवर 1800s में इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 80%, जो कि घट करके सिर्फ 3% रह गया ग्रीन कवर. एंड आप सभी जिन्होंने अगर यू नो ड्रॉट्स को पढ़ा होगा, उसमें ये होता है कि ग्रीन कवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर दी वाटर अवेलेबिलिटी. ऐसा क्यों? बिकॉज जो ट्रीज होते हैं, जिस एरियाज में ट्रीज होते हैं, वहाँ से वाटर या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत ईजिली हो जाता है. वाटर बेसिन में अगर ट्रीज होते हैं किसी रिवर के, तो रिवर में भी प्रॉपरली वाटर जो है फ्लो कर पाता है. सो अगर हम उस ग्रीन कवर को ख़त्म कर दें या फिर कॉन्क्रिटाइजेशन कर दें लैंड का, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी होने लगेगा, बिकॉज ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छे से नहीं होता. और बेंगलुरु में यही प्रॉब्लम है. बेंगलुरु की बहुत बड़ी जनता ग्राउंड वाटर पर भी डिपेंडेंट है, अपार्ट फ्रॉम दी कावेरी रिवर जो वो यूज़ करते हैं. सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर बेंगलुरु लॉस ऑफ वाटर. Alright, so and also as I mentioned ki Bangalore, because it is located on a plateau in the southern part of our country, so वहाँ पे जो एक बहुत main source of water था वो था water reservoirs, जो कि कावेरी river के through fill किए जाते थे. बट यही प्रॉब्लम हमें देखने को है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ यू नो फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन रिजर्वॉयर्स को भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिला. और काफ़ी रिजर्वॉयर्स थे जो कि सूख चुके थे, जिनको यूज़ कर लिया और प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया. कई वाटर रिजर्वॉयर्स में क्या होता है, जैसे एक रिवर है वो किसी एक वाटर रिजर्वॉयर को फिल करती है और उस रिजर्वॉयर से दूसरा रिजर्वॉयर फिल होता है. बट ऐसा बेंगलुरु में नहीं हुआ, क्योंकि जो कनेक्शन था उन दोनों के बीच में वो भी खत्म हो गया था. ओके, yes, definitely, which
tells us the level of mismanagement which has happened in Bangalore city and which has led to the present day crisis. Also, climate change is one of the most important factors for the present day water problems which we are facing right now. We know that after the Industrial Revolution, there has been, you know, greenhouse gas emission at unprecedented level. बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, ग्रीनहाउस गैसेस का लेवल है हमारे एनवायरनमेंट में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. उसकी वजह से क्या हो रहा है, देर इज ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ हैपनिंग. और उसी की वजह से, यू नो, वी आर सीइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हीट वेव्स और दी ड्रॉट्स और दी अनइवन पैटर्न ऑफ द रेनफॉल. जो रेनफॉल पहले होता था वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, कभी बहुत कम हो रहा है से ड्रॉट्स हो जा रहे हैं, और कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे यू नो फ्लड्स हो रहे हैं. सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम. सो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से ऑथर ने हाईलाइट किया है कि दे कुड बी बेटर मैनेजमेंट ऑफ द यू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज विच आर देयर. सिर्फ हमें वाटर को एज अ यू नो वाटर फ्रॉम कावेरी रिजर्व नहीं देखना चाहिए या फिर ग्राउंड वाटर नहीं. देर आर मल्टीपल सोर्सेज विच कुड हैव बीन बेटर मैनेज इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्राइसिस. फॉर एग्जाम्पल, देर इज रेन वाटर, देर इज ग्राउंड वाटर, ये तो है ही. इसके अलावा सरफेस वाटर, लेक्स शुड हैव बीन बेटर मैनेज, टैंक्स जो है जहाँ पे यू नो रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है उनको बेटर मैनेज करना चाहिए था, या फिर रिवर स्ट्रीम, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हाईलाइट करते हैं यूज वाटर को तो सभी ने नेग्लेक्ट कर दिया. इट मीन्स जो वाटर सीवेज के थ्रू होता है और जो सीवेज अथॉरिटी है और एंड द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी यू नो पाइप फॉर द सप्लाई ऑफ पाइप्ड वाटर, दे आर वर्किंग इन साइलोज. कोई साथ में इंटरकनेक्शन एक तरीके का लिंक नहीं है. अगर साथ में होलिस्टिकल अप्रोच से होता तो शायद ये बेटर मैनेज कर पाते. दैट इज ऑल्सो अ रीजन. And also, as we have mentioned, because of unplanned development, rapid economic growth, there has been multiple consequences such as deforestation, the loss of green cover, sand mining, pollution and agriculture uses. It has also led, you know, things like pollution has also led to depletion of the water reserves which were there in the Bangalore. So, as you can see, these are some of the reasons why we are seeing a crisis. इस क्राइसिस में इसका लेवल इतना ज़्यादा था कि जो चीफ मिनिस्टर है बेंगलुरु के, उनको भी टैंक से पानी भरना पड़ा. सो यू कैन सी द लेवल ऑफ प्रॉब्लम विच इज प्रिवेलिंग एंड व्हाट कॉमन पीपल मस्ट बी फेसिंग बिकॉज ऑफ दिस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. And we have also talked about the irony which is happening in many of our cities, not just in Bangalore, such as, you know, Gurgaon or Hyderabad, that we are seeing simultaneously flood and drought at the same time. You know, कभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी आ जा रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि पानी इतना कम हो गया है कि लोग उसको लोगों के पीने के लिए भी नहीं है प्रॉपरली, लोगों की यूसेज के लिए भी नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक रीज़न हम पहले ही बात कर चुके हैं कि द इंस्टीट्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज वाटर रिजर्व्स, दे आर वर्किंग इन साइलोस. यू नो, इन बैंगलोर यू कैन सी द जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, एंड इट शुड वर्क विद अ कनेक्शन विद द waste water which people are producing, but उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा. अगर उसको भी better utilize कर सके किसी तरीके से, for example, you know, for agriculture or something like that, तो it could have been better managed. एक बहुत important factor है बेंगलुरु में इस concretization of roads, और इसे बेंगलुरु का ही problem नहीं है, बहुत सारी urban cities का problem बन चुका है. जो because of urbanization we are seeing there has been you know multifold increase in roads. और इस concretization की वजह से क्या होता है कि जो बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. एंड ऑल्सो इसमें एक फैक्टर है, जब रोड्स बनाया जाता है उसके साथ साथ इफ इट वुड हैव बीन बेटर प्लान, दे कैन ईजिली मेक यू नो वाटर और ड्रेनेज सिस्टम ऑन द साइड वाइज, सो दैट कि वाटर कैन एंटर इन टू दी ग्राउंड. बट ये सब भी नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो ये हमें दिखाता है कि यू नो इट इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इज लीडिंग टू अ प्रॉब्लम इन दी मेनी ऑफ आर अर्बन सिटीज. एंड ऑल्सो द ऑथर इज हाईलाइटिंग दैट यू नो जो वहाँ पे मैनेजमेंट में लोग हैं, दे आर लैकिंग कॉम्पिटेंस, दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड. ऐसे कोई भी लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और वो प्रॉपरली यू नो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. आपको पता होगा कि यू नो प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू हैव पर्टिकुलर स्किल्स, हमें ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है. अगर उस एरिया में प्रॉपर यू नो लोग जाएंगे तो दे कैन कम अप विद बेटर सॉल्यूशन. सो दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग इन बेंगलुरु.
एंड ऑल्सो सोल्यूशन के लिए वो बोलते हैं कि वी हैव टू यू नो रीइंस्टेट द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट रिजर्वॉयर्स व्हिच वर देयर, जो कि अर्बनाइजेशन की वजह से ब्रेक हो गया था, अगर उनको दोबारा कनेक्ट कर दें सो वहाँ पे जो रिफिल है रिजर्वॉयर्स का जो यू नो ड्यूरिंग रेनफॉल होता है या फिर रेनफॉल के समय पर जब फ्लड्स हो जाते हैं उससे बेटर होगा कि जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको हम फिल कर सकें. दैट कैन डेफिनेटली हेल्प अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वेरी प्रोमिनेंट सॉल्यूशन फॉर मेनी ऑफ द वाटर प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग, बिकॉज हमें पता है कि यू नो एज यू मेंशन द आयरनी कि फ्लड्स और ड्रॉट्स दोनों ही साथ में होता है. ऐसा क्यों ना हो जब यू नो वी आर रिसीविंग मोर वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, वाई शुडंट वी हार्वेस्ट दैट वाटर एंड स्टोर इट सो दैट वी कैन यूज इट व्हेन देयर इज स्कैंटिनेस, जब कमी है तब हम उसको यूज कर सकें. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी सिलेबस. सो यू हैव टू स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड हाउ इट कैन बी यूटिलाइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू नो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स और दिस एंड हाउ यू कैन कम अप विद द सॉल्यूशन. एंड ऑल्सो देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी. So carrying capacity is a capacity of a region to hold or support a population, right? So as बोला जा रहा है author के through that Bangalore ने अपना जो carrying capacity है उसको भी exceed कर लिया. It means कि जितने लोग वो support कर सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गए. तो इसीलिए वो बात कह रहे हैं इस article में that we have to find different solution. ज़रूरी नहीं है कि हर लोगों को वहीं जाना है. We have to develop some other places so that you know people should migrate over not only in Bangalore but at those places as well, and we can kind of depopulate Bangalore so that this problem can be solved. All right. ऑथर बात करते हैं इस आर्टिकल में यूजिंग अ क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच. व्हाट दैट मींस इज वी हैव टू मेक डिफरेंट क्लस्टर्स यू नो इन पेरिफेरल रीजन्स ऑफ बेंगलुरु एंड वी हैव टू डेवलप देम होलिस्टिकली. व्हाट दैट मींस इज इसका मतलब है कि यू नो बेंगलुरु के और ऐसा आप कहीं बहुत अर्बन सिटीज में देखने को आपको मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, जब दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने एनसीआर रीजन को डेवलप करने लगे. फॉर एग्जांपल गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव. तो जो पॉपुलेशन दिल्ली में बढ़ रहा था इट कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दीज एरियाज. और आप देखोगे अभी के समय में गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च RRTC प्रोग्राम जहाँ पे गवर्नमेंट फास्ट स्पीड ट्रेन्स कनेक्ट कर रही है टू सिटीज़ लाइक मेरठ जो कि NCR से भी बाहर है. अगर हम उनको वहाँ से मोबिलिटी थोड़ा फास्ट कर पाएंगे तो लोग वहाँ से ही काम करने दिल्ली जैसे रीजन्स में या नोएडा या गुड़गांव जैसे रीजन्स में काम करने आ सकते हैं. एंड दैट कैन डेफिनेटली हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर. सो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच इज वन थिंग. यू कैन डेफिनेटली यूज दिस इन योर मेन्स आंसर राइटिंग व्हेन यू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू यू नो डेवलपमेंट और अर्बन सिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स. Also, author is arguing that we have to respect the ecology. हमें पता है कि बेंगलुरु में कावेरी is the life breath. कावेरी से ही water ज़्यादा मतलब basically support होता है. So we have to kind of respect the river basin. वहाँ पे हमें encroach नहीं करना चाहिए. And you know उसकी वजह से बहुत सारी problems हमें देखने को मिलती है, जैसे कि floods, जैसे कि ground जो river का water है वो properly दूसरे areas में जा नहीं पाता. And that is leading to the water crisis. Also, as I mentioned many of my videos, that there should be an integrated approach not only to solve the problems of Bangalore but also the water crisis in a country. For example, government is talking about growing millets, which is a very less water intensive crops. If we compare it to other water intensive crops like rice or wheat, जो कि बहुत ज़्यादा water consume करती है to grow. सो मिलेट्स को ग्रो किया जा सकता है जो कि बहुत इजीली ग्रो जाती है. तभी आप देखोगे मिलेट्स जैसे कि बाजरा या फिर रागी है उसको राजस्थान में बहुत उगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ा कम है. सो मिलेट्स और इस तरीके की क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चर में यू नो इस तरीके के मैकेनिज्म्स अगर हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प टू सॉल्व द वाटर क्राइसिस. आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर इज एन एरिया ऑफ इंडिया विच इज़ कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ वाटर. ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर इज यूज्ड इन इरीगेशन, राइट? सो अगर हम एग्रीकल्चर को वाटर एफिशिएंट बना पाएं सो डेफिनेटली वी कैन क्रिएट मोर वाटर रिजर्व्स फॉर द अदर यूसेजेस. तो ये जो लोगों के पीने के लिए पानी या फिर यूसेज के लिए पानी कम हो जाता है वो हम कहीं ना कहीं बढ़ा पाएंगे.
definitely rainwater harvesting we have talked about. So in this context, we have talked about the, you know, water problem in Bangalore, but definitely it's not just in Bangalore. You know, in many of the countries in developing world, they are facing the water crisis. And as I mentioned, that many scholars are highlighting that future wars can happen on the for water, right? And you know, India jaisi country jo ki bahut vulnerable hai, you know that the most of our important rivers like Ganga and Yamuna, wo hamari country mein originate nahi karte hai. They are originating, or Brahmaputra, they are originating in China. So, and already we are having a tussle with China. We're not having very cordial relations. So in context, it's very important to better manage your water resources. We should make our water or agriculture system more efficient, right? हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, और ऐसा यू नो सम ऑफ द स्कॉलर्स लाइक विच राइट्स इन इंडियन एक्सप्रेस, दे आर्ग्यू दैट हमें वाटर की जगह दूसरी, सॉरी, राइस की जगह दूसरे क्रॉप्स पे फोकस करना चाहिए. इफ़ वी आर एक्सपोर्टिंग राइस, दैट मीन्स वी आर एक्सपोर्टिंग आर वाटर, राइट, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड दिस इज समथिंग विच कैन बी डन. So, being an administrator, you have to come up with these kind of solution, and to solve the present day challenges which we are facing. So, it's related. You can also have a multiple or a multi-dimensional understanding of this issue for your mains examination. All right, let's move forward. The next article which we are going to discuss is on the text page, and it highlights the India's point of view on the global indices which are, you know, published on India. Talk about democracy. You know that democracy is a kind of characteristic institution of modernity. Agar aap modern times mein dekhoge to many of the countries which are not even democracy, they also claim that they are democracy. For example, China, where there is no multi-party system, there is only one party which is dominating, they also say that, you know, they are a democracy. Or sari countries ye bolna chahti hain ki they, you know, they are a democracy. If we, there are some exceptions, like some Middle Eastern countries like Saudi Arabia, they are not democracies, they are monarchies. So democracy ki value ek aisi value jo ki har country adopt karna chahti hai, right? So, and India also is one of the largest democracy. So, in this article, they have argued that, you know, when these indices are published, how they use data to publish their indices, and why India should care about it, and what are the flaws in those data or indices, right? So it's going to give you a holistic understanding of what are the things which are important in a democracy, and why democracy is important for our country. All right. So ye report I have VDM Institute, which said India is one of the worst autocratizers. It is saying that India is one of the worst autocracy. Autocracy is something where there is an authoritarian rule. कोई एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा dominance है power का, और वहाँ पे लोगों का participation बहुत कम है, right? So, and also some other institutes like VDEM, they have called India as a flawed democracy or electoral democracy, where there is only elections which are happening, but they are autocracies. So, first of all, we need to understand why India should care about these, indices which are present. There is no doubt that sometimes these indices or these values are being propagated by the Western world to, you know, kind of impose their values. But kabhi kabhi hame ye bhi dekhna chahiye. It's not a bad thing to learn from some other person or a society. अगर कोई हमें हमारी गलतियों के बारे में बताता है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वाइज थिंग टू लर्न फ्रॉम इट, राइट? सो अगर कोई बताता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं जो सिटीजन पार्टिसिपेशन वो इतना अच्छा नहीं है, या फिर यू नो वी आर जस्ट काइंड ऑफ अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, जहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, बट सब्सटैंटिव एस्पेक्ट में जो डेमोक्रेसी के मेन पिलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्री मीडिया, या फिर सिटीजन पार्टिसिपेशन, या फिर डेलीबरेशन इन पार्लियामेंट, वो उस उन एरियाज में अगर हम लैक कर रहे हैं, सो वी कैन डेफिनेटली गिव अ थॉट अबाउट दिस, एंड वी कैन वर्क टू इम्प्रूव ऑन इट, राइट? सो दिस आर्टिकल ऑल्सो हाईलाइट वॉट डेटा दे आर यूजिंग, राइट? सो आर्टिकल इज सेइंग दैट दे आर यूजिंग यू नो समटाइम्स फैक्ट्स सच एज यू नो इलेक्टोरल नंबर्स और वोटर टर्न आउट, ऑल दोज थिंग्स, एंड समटाइम्स सब्जेक्टिविटी, समटाइम्स देयर ओन ओपिनियंस एंड जजमेंट्स विच यू नो
the people who creates these indices, they their judgment. So there is a sense of subjectivity also. And sometimes they use both facts and data. And also, you know, academic materials are also important a source for development of these indices, such as newspaper and articles which are being written in India. Okay. Now let's talk about the limitations of these indices. What are the limitations? So, many a times, as I mentioned, ki kahin na kahin hume lagta hai ki ye jo indices hai, kahin na kahin impose kiya jata hai Western values ko. Aisa bahut sare scholars ne bola, Asian scholars ne, jaise ki Lee Kuan Yew, which was president of Singapore, उन्होंने बोला कि you know there should be a Asian value debate. What that means is that Asian values are different from the European values. Why to see the world from a Eurocentric point of view? हर चीज यूरोप के हिसाब से नहीं होना चाहिए. अगर आपकी डेमोक्रेसी इस तरीके की, तो we can have a different kind of democracy because our societies are different, right? So that's the thing. कहीं ना कहीं Western values को impose करने के लिए तो ये index नहीं करते हैं. राइट सो आप देखोगे यूएस का इसमें बहुत बड़ा आयरोनिकल थिंग, यू नो, when सपोर्टिंग अ डेमोक्रेसी सर्व देयर इंटरेस्ट, दे डेफिनेटली सपोर्ट, बट when इट डज नॉट सपोर्ट देयर इंटरेस्ट, दे टोटली इग्नोर इट. यू कैन सी इट इन केस ऑफ देयर एंगेजमेंट विद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया को वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि डेमोक्रेसी चाहिए, बिकॉज दे वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग अलायंस इन द मिडल ईस्ट. सो दैट इज ऑल्सो थिंग. So, यही चीज है. और as I mentioned, there is a lot of subjectivity in this indices. मतलब लोग अपने opinions, अपने judgments को impose करते हैं on the country without looking at, you know, a deeper understanding of the society. Sometimes it is also used for propaganda or to impose the ideology. So these are some of the limitations of these indices. But I think when we are studying this topic, we should also have a holistic view of democracy as a topic, which is one of the most important topic in for your UPSC examination in GS paper 2, and also people who are preparing for PSIR, Political Science and International Relations. So we can have a discussion on the importance of democracy. So before this, you can just pause the video and you can think what in your view are the important reasons for a democracy before discussing it here. Okay, let's discuss the importance of why democracies are important. So Amartya Sen apne book mein Development as a Freedom mein bahut achhe arguments dete hain ki why democracy is important, aur wo analyze bhi karte hain ki kya democracy, kyun democracies बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए. बिकॉज बहुत सारे स्कॉलर्स, स्पेशली चाइनीज स्कॉलर्स या फिर यू नो कुछ लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट दी ओनली वे ऑफ डेवलपमेंट. आप चाइना का एग्जांपल देख सकते हैं या फिर कुछ और अटोक्रेसीज का, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ. यू कैन सी दम, यू नो, कंट्रीज लाइक यूएई विच इज डेवलपिंग सो फास्ट. द थिंग इज, अमरजीत सिंह बोलते हैं कि अगर चाइना का डेवलपमेंट हुआ है तो उसका हमें कंटेक्स्ट भी देखना चाहिए. ऐसा नहीं था कि देवर अथॉरिटेरियन इसलिए ही वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ या प्रोस्पेरिटी हुआ. चाइना ने ऑलमोस्ट 700 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला. सो यू नो वी ऑल्सो हैव टू सी द कंटेक्स्ट हाउ चाइना डेवलप्ड. वी नो दैट ड्यूरिंग 1980s चाइना डिड इट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो उस समय पर देर वॉज अ कोल्ड वॉर विच वॉज हैपनिंग, और वहाँ पर क्या था, यूएस और यूएसआर का टसल था. एंड वेन चाइना केम क्लोजर टूवर्ड्स द यूएस, सो यूएस ने उसको सपोर्ट किया. US supported the peaceful rise of China उस समय पर, जो कि अब नहीं है, but US ने उसको support किया with investment, with technology, with businesses, and that contributed in growth of China. Definitely सिर्फ US का contribution, China के internal कुछ points or factors भी थे, such as universal education and all those things. But अमरजीत सिंह ये बोलते हैं कि सिर्फ authoritarian होने से China का development, this is a very wrong view. You have another countries like Pakistan, where there is, you know, the democracy is really flawed. वहाँ पे real में कोई democracy नहीं, military के बाद बहुत ज़्यादा power है, right? So इसलिए, और वहाँ पे आप देखोगे कि development इतना तेज़ी से नहीं हुआ. अमर्त्य सेन ये भी बताते हैं कि why his book is named Development as Freedom. He talks about when there is political freedom, it also contributes in economic freedom. How? इसको इस तरीके समझिए, जब लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम है, दैट मीन्स दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और द पीपल हु आर रूलिंग देम.
So if someone is implementing policies of their choice, अगर उनको लगता है कि free market economics के basis पर हमारी country run होना चाहिए, या फिर कोई government ऐसी होनी चाहिए जो कि socialist measures ज़्यादा ले, तो वो उस government को elect करेंगे. But अगर वो political freedom ही नहीं है, so कहाँ से उनको economic freedom मिलेगा for doing businesses and all those things? इसलिए बोलते हैं there is a direct correlation between political freedom and economic freedom. They are not fragmented. So which means democracy has an important. मैंने आपको बताया पाकिस्तान के केस से कभी भी authoritarian rule is no guarantee for economic growth, right? So yes, and as I mentioned, for economic growth, democracy is really important because people get opportunity for doing different kinds of stuff. Whatever they're doing, they want to do, they can do, right? So free market economics को बहुत खराब तरीके से portray किया जाता है कि उसकी वजह से inequality बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या फिर ये जो न्यू लिबरल ले रहे हैं यहाँ पे you know बहुत ज़्यादा inequality हुआ. Definitely that is a thing, but free market economics when it emerged after the liberal world order, उसने लोगों को opportunities दिया to do what they want, they can pursue their own career, they got the freedom to do whatever kind of business they want. So that's why you know for economic growth democracy is important. Also democracy bada factor hota hai ki it also helps us to deliberate and discuss on different issue or contradictory views, especially a country like India which is so diverse. इंडिया में तो आपको पता होगा कि यू नो कितने सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ रहते हैं. वी आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डाइवर्सिटी. उस जगह पे टू रीच अ कंसेंसस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सो डेलिब्रेशन डिस्कशन इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन टेक डिसीजन. अदरवाइज हम कोई ऐसे डिसीजन लेंगे जो कि यू नो कुछ सेक्शंस को ही कैटर करेंगे और सबको नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया. डेफिनेटली इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग. हम ये चीज़ को ध्यान में रख पाएंगे कि जो हमारे डिसीजन हैं क्या वो सभी सेक्शन सोसाइटी को कैटर कर रहे हैं या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मेजोरिटेरियन डिसीजन मेकिंग हो रहा है, मेजोरिटेरियन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन मेकिंग हो, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो गया. तो डेमोक्रेसी का ये भी फायदा होता है कि सभी के राइट्स की बात किया जाता है. And obviously, for a large country like India, for its unity is very important because India is so diverse. And you know, अगर democracy ना हो यहाँ पे authoritarian rule, मान लीजिए अगर you know अगर इंडिया को बात करते हैं कि अब पूरे कंट्री में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि कुछ लोग आजकल के समय पे बात कर भी देते हैं, सो क्या साउथ इंडियन स्टेट्स इसमें एग्री करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे. सो दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया. In the last, I also want to discuss a very interesting point which was highlighted in this article related to the substantive and procedural aspect of our democracy. So, democracy ko do tarike se dekha jata hai. You know, some societies are being seen as procedural types of democracy. For example, un society mein se procedure follow kiya ja raha hai democracy ka. Regular election ho rahe hain aur election hone ke baad log basically rulers chun liye ja rahe hain. But that does not mean it's actual democracy. सब्सटैंटिव एस्पेक्ट के जो स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं कि देर शुड बी सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर्ग्यू दैट इलेक्शन आर नॉट द ओनली थिंग ऑफ इट फॉर अ डेमोक्रेसी. फॉर अ हेल्थी फंक्शन डेमोक्रेसी, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन प्रॉपर होना चाहिए. देर शुड बी चॉइस, सिटीजन शुड बी अवेयर. अब देखिए, अगर रशिया भी अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, और वहाँ पे जब वोटिंग हुआ, सो आपको पता होगा रशिया में जो भी ओपोनेंट्स होते हैं व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट, उनको या तो यू नो एट द पॉइंट ऑफ अ गन उनको हटा दिया जाता है, या फिर उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता टू फाइट, राइट? सो दैट्स वाई देर शुड बी सब्सटैंटिव एस्पेक्ट. इसके अंदर सिटीजन पार्टिसिपेशन आता है, लोग कितना अवेयर हैं, मीडिया कितना फ्री है. Is media kind of a right hand of the ruling party, or it is free and fair, which is keeping the interest of the people or giving a voice to the opposition? And also opposition is also very important in a democracy. So substantive aspect ko dekhna bahut zaruri hai. You can use this point in your UPSC mains answer when we you know any question related to analyzing democracy or something like that. You can say that India really needs a substantive and definitely India is a substantive democracy, but as I mentioned in the initial part of this video, that definitely we can learn if someone is criticizing us, and we can cure our defects which you know are being highlighted by these indices. Alright, so
these are the two articles which I wanted to discuss today related to the water crisis in our country, and especially in the state of Bangalore, and the indices which highlights India as a flawed democracy, and what are the, you know, reality related to that. And also we have discussed the you know, what is the importance of a democracy for a country like India, and what is the substantive and procedural aspects of a democracy. All right, so this was for today. And if you have any kind of question, so you can ask me in the comment section. I'm going to be replying to that. Or aap apne bhi views hamesha ki tarah rakh sakte hain. You can tell what are your views on these topics. Thank you.